कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा सीट से राजेश द्विवेदी को बसपा ने बनाया प्रत्याशी। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में द्विवेदी नगर में आयोजित की गई सभा, बसपा कानपुर मंडल के प्रभारी नौशाद अली ने जनसभा को संबोधित किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी को जिताने की अपील की है। अकबरपुर लोकसभा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरीके से चुनावी मुद्दों को कौन से लेकर जाएंगे और क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव? हमारे सारे मुद्दे वही हैं जो बहन जी के मुद्दे हैं। बहन जी ने हमको अपना कैंडिडेट बनाया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं भारी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा और बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आम जनता से आपको जी? किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको आज यहाँ पर आपने जनसभा की है? सभी वर्गों का समर्थन हमारे पास है और हमारे साथ सभी वर्ग के लोग। किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना? हमारा मुकाबला मेन बीजेपी से है। यहाँ पर बैठक की गई, रैली की गई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, और आज जो ये बैठक की गई है, ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व और पूर्व मुख्यमंत्री, जो प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, माननीय बहन जी ने प्रदेश में बहुत अच्छा शासन चलाया, और आज माननीय बहन जी के शासन को सभी लोग याद कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय पर सरकार चलाई। कोई समाज का बच्चा ये नहीं कह सकता है कि किसी समाज के बच्चे को माननीय बहन जी के शासन में कोई चोट पहुंची हो। माननीय बहन जी ने सर्व समाज के हित में काम किया। आज इधर माननीय बहन जी ने निर्देश दिया कि उधर जाकर कार्यकर्ताओं को बुला के माननीय बहन जी के निर्देश पर जो अकबरपुर लोकसभा है, तो उससे प्रत्याशी श्री राजेश द्विवेदी जी को बनाया गया है, और यही इधर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का प्रभारी भी बनाया गया। धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां जो है प्रदेश की, वो लगातार बसपा पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं कि बसपा जो है वो भाजपा का भीतरी तौर पर समर्थन करती है, तो इस आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? ये तो आपको चुनाव में दिखाई देगा। बाकी बहन जी ने सब ट्वीट किए हैं, माननीय बहन जी सब बोल चुके हैं। धन्यवाद।